की इक्वेशंस को तैयार करेंगे सो वी हैव दैट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्स इज इक्वल टू ए इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव वी कैन कॉल दिस आज इक्वेशन नंबर वन इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो वेलोसिटी मिल जाएगी तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी होता है राइट तो d बाई डी ऑफ एक्स दैट इज ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस

d by dt of phi t is, है ना ओमेगा t का डेरिवेटिव ओमेगा कांस्टेंट बाहर कर देंगे ओमेगा n uh, d by dt of t is one तो ओमेगा into one is ओमेगा ये टर्म का डेरिवेटिव आ गया ओमेगा और phi इज कांस्टेंट है ना तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज़ zero तो ओमेगा plus zero ओमेगा ये ओमेगा सामने लिखेंगे तो v is equals to a into ओमेगा into cosine of ओमेगा t plus phi

ये ओ ए ओमेगा कांस्टेंट बाहर कर दिया कोसाइन का डेरिवेटिव इज माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस 5 टी इज इनटू डी बाय डीटी ऑफ ब्रैकेट दैट इज ओमेगा टी प्लस 5 ओमेगा टी प्लस 5 का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आया था ओमेगा तो इधर भी क्या आएगा ओमेगा ही आएगा तो वो ओमेगा को बाहर कर देंगे तो देयरफॉर एक्सीलरेशन ये माइनस को भी बाहर कर देंगे ए इनटू ओमेगा ऑलरेडी इट इज देर इसका भी डेरिवेटिव ओमेगा ओमेगा इंटू ओमेगा इज़ ओमेगा ओमेगा साइन ऑफ़ टी प्लस फाइव दिस इज इक्वेशन ऑफ एसिलेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम टी इफ यू चेक योर टेक्सट बुक यू विट गेट निगेटिव साइन है जिनके पास नई किताबें आई है उसमें करेक्शन आया होगा तो वहां पे हो सकता है लेकिन पुरानी किताब में जो लोग यूज कर रहे हैं उनकी किताब में माइनस साइन नहीं होगा सो डू करेक्ट दैट दर शुड बी माइनस साइन निगेटिव साइन इज देर राइट इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं हमारा ए का इक्वेशन क्या आया था माइनस ओमेगा एक्स तो दैट इज करके अगर मैं लिखता हूँ तो दैट इज ए इज इक्वस टू क्या हो जाएगा ये माइनस को एज इट इज रखता हूँ ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होता है

तो डिस्प्लेसमेंट एक्स फाइंड आउट करना है तो डिस्प्लेसमेंट का ही इक्वेशन यूज करेंगे है 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 ना तो क्या है displacement का ठीक अब displacement maximum कहां पे रहेगी और मिनिमम रहे? ये हमें फाइंड आउट करना है एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है राइट तो ये ध्यान में रखना किसी भी इक्वेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही बताएगा कि कहां पे लेफ्ट हैंड साइड मैक्सिमम रहेगी और कहाँ पे मिनिमम रहेगी है ना तो जैसे कि यहाँ पे साइन अभी हमें पता है साइन मैक्सिमम कहाँ पे रहता है इट इज एट नाइनटी डिग्री और टू सेवेंटी डिग्री है ना प्लस वन माइनस वन ये आर मैक्सिमम वैल्यूज है ना माइनस को इग्नोर करेंगे अपोजिट डायरेक्शन रहती है इतना ही फर्क है बाकी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम रहता है है ना और मिनिमम कहाँ पे रहेगा जीरो पाए टू पाए थ्री पाए फोर पाए इस पे है ना दैट इज इक्वल टू जीरो तो अगर हमने ये ओमेगा टी ओ प्लस फाइव इनकी वैल्यू आइडेंटिफाई कर दी तो हमें साइन की वैल्यू पता चल जाएगी और उस हिसाब से एक्स मिनिमम कहाँ पे आएगा और मैक्सिमम कहाँ पे आएगा ये हमें पता चल जाएगा सो इफ ओमेगा प्लस फाइव इसकी वैल्यू अगर हमने जीरो रख दी है ना ये यहां पे रख दिया तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ जीरो है ना जीरो बोलो या पाई भी लिख सकते हैं तो ओमेगा टी मतलब ओमेगा टी तो पाई रख दिया तो चलो और पाई तो और ये इक्वेशन एक क्या एक्स इज ए साइन ऑफ पाई ओमेगा प्लस पाई इन दोनों की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू जीरो और पाई है दोनों रख दिया हमने क्या आएगा एक्स इज इक्वल टू ए इंटू जीरो जीरो यहां पर एक्स इज इक्वल टू थोड़ी साइन पाए अगेन इट इज जीरो इज जीरो बट ऑब्वियसली दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू दैट विल चेक इट वंस अगेन वंस इफ वी पुट द अदर वैल्यू ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव एंड नाउ सेकेंड इफ ये फर्स्ट कंडीशन ये सेकेंड कंडीशन पुटअप करेंगे अगर ओमेगा टी प्लस फाइव इनकी वैल्यू हमने 2, है ना या थ्री पाई बाय टू ले लिया तो ये क्या हो देर फोर एक्स इज वापस से ये दोनों वैल्यूज हम उप करेंगे इसी इक्वेशन में तो दिस इक्वेशन बिकम्स एक्स इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ पाई बाय टू यहां पर कर देंगे एंड और x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थ्री पाए लिख दिया है ना तो ये क्या हो जाएगा व्हाट इज इक्वी साइन पाए और यहाँ पे क्या एक्स इज इक्वल टू ए एंड साइन थ्री पाए बाय टू माइनस वन है ना तो a इंटू माइनस वन माइनस ए दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया तो x इज इक्व टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस ए अब यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड मिल ही नहीं रहा है जीरो है यहाँ पे कुछ मिला है तो ऑब्वियसली दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू एंड दिस विल बी मैक्सिमम वैल्यू तो एक्स मैक्स इज प्लस माइनस ए एक्स मीन इज जीरो अब एक बार हमें एक्स मीन और एक्स मैक्स आ गया इनकी वैल्यू उठाएंगे वेलोसिटी के इक्वेशन में अप करते जाएंगे मीन पोजीशन पे ये एक्सट्रीम पोजीशन पे ये दोनों की वैल्यू उठाएंगे और वेलोसिटी के और एक्सीलरेशन के इक्वेशन में पुट अप कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी और एक्स मैक्स और एक्स क्या कहते हैं वीम मीन अलोंग विथ मैक्स एंड ए मीन ठीक है mean, mean, तो नाउ फॉर वेलोसिटी वेलोसिटी वी इसके लिए फाइंड आउट करते हैं तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है क्वस टू प्लस माइनस ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वे है ना तो एक्स के जगह पे पहले एक्स मीन अप करते हैं मतलब मीन पोजिशन वाली वैल्यू तो वी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इंटू रूट ऑफ okay this is at mean position hai na to mean position pe minimum displacement aayi hai and this is the case of extreme position <coughs> right. अब यहां पे ये x इज इक्वल टू put up करेंगे ना एक्स इज इक्वल टू जीरो ये जीरो कहाँ पे है मीन पोजीशन तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मिल जाएगी तो ए स्क्वेर माइनस जीरो एट मीन पोजीशन है ना तो ये इज़ इक्वल प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्र माइनस जीरो इज़ स्क्र रूट ऑफ ए स्क्र इज ए एन टू ओमेगा एमेगा तो दिस बिकम्स प्लस माइनस एमेगा

तो प्लस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर भी माइ ए स्क्वायर ये माइनस साइन इक्वेशन का है एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर दिस इज एट एक्सट्रीम पोजिशन जहां पे एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए रहती है और ये क्या कहते हैं मीन पोजिशन है जहां पे एक्स की वैल्यू जीरो रहती है

अब ए का इक्वेशन क्या है पता है हमने अभी प्रूव किया था राइट ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स रहता है राइट तो एट मीन पोजिशन पोजिशन पे एक्स की वैल्यू क्या रहती है जीरो है ना मीन पोजिशन पे एक्स की वैल्यू जीरो आई है वो यहाँ पे एक्स की जगह पे पुटअप कर देंगे तो देर फोर ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर इन टू जीरो वैल्यू इधर गई वेशन भी कम्स ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेर इंटू जीरो इज ना डेफिनेटली ये भी मिनिमम ही वैल्यू रहेगी लेकिन फिर भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं राइट एंड एट दिस इज फर्स्ट केस दिस इज सेकंड केस यहाँ पे ये सेकंड केस हो गई एंड दिस इज फर्स्ट केस एंड एट एक्सट्रीम पोजिशन एक्सट्रीम पोजिशन पे क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए वो रख देते हैं तो देर फोर ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इन टू एक्स के जगह पे प्लस माइनस ए कर दिया तो दिस ए बिकम्स इक्वल टू प्लस इंटू माइनस 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 इंटू माइनस प्लस ए इंटू ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर now definitely this is zero that means this is the minimum value of acceleration and this is the maximum value of acceleration it is right so this is all, all about the displacement velocity acceleration at time t values and these are extreme values of the same physical quantities right